हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3, जिसमें मैं बताऊंगा आपको जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट विद द रिसोर्सेज। इस यूनिट के 3 अलग अलग पार्ट हैं जिनके मैंने लेक्चर्स को प्रिपेयर किया है, जो तीनों एक दूसरे से कहीं भी संबंध नहीं रखते, केवल इतना के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो शुरू करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये पिक्चर मैंने यहाँ पर रखी है ताकि मैं आपको बता सकूं जियोथर्मल एनर्जी है क्या एग्जैक्टली। मनाली घूमने गए हो तो वहाँ अपने मणिकरण जरूर गए होंगे, वहाँ हॉट वाटर स्प्रिंग है और ऐसी कई जगह है। नियर द मसूरी यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट थिंग, नियर द शिमला यू कैन फाइंड आउट। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर क्रस्ट के नीचे टेम्परेचर हाई है, जिस वजह से हमें हॉट स्प्रिंग्स थोड़ी सी ही लेयर के नीचे हमें लावा या मॉल्टन फॉर्म में मौजूद है, उसका हम क्यों ना इस्तेमाल करें और पावर प्लांट्स में उसको यूज करें और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। इसका छोटा सा एक प्रोसेस है। अगर हम इस डायग्राम को देखें, एक तरफ से अगर हम कोल्ड वाटर को डालें, क्रस्ट के नीचे हमें पता है टेम्परेचर हाई है और वो इतना हाई है कि इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के काबिल हो, तो उस स्टीम को हम यूटिलाइज करें, डायनामो से कनेक्ट करें और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। कहानी सुनाऊंगा, ध्यान रखिए। ये बहुत प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल का मतलब हमें पता है कि कहाँ कितना है, कितने समय तक अवेलेबल होगा और साथ ही साथ पॉल्यूशन फ्री भी है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, कंट्रीब्यूट कर सकता है एक सिग्निफिकेंट शेयर टू वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम यहाँ पर नेचुरल हीट एनर्जी, जहाँ पर हम कोल को बर्न नहीं कर रहे, वहां पर अवेलेबल है, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट प्रेडिक्टेबल अवेलेबिलिटी, रिलेटिवली लो कॉस्ट, स्मॉल कार्बन, ग्रीन एनर्जी, दीज आर द वेरी गुड एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। ग्रीक वर्ड से लिया गया जियो ऑब्वियसली अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, जिसका मतलब है कि हम थर्मल एनर्जी जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ट्रैप्ड है उसको इस्तेमाल कर सकें। कहीं कहीं वो नेचुरली रिलीज हो जाती है स्प्रिंग्स के फॉर्म में या फिर गीजर्स के फॉर्म में हम उसको बोलते हैं, और साथ ही साथ वॉल्केनिक इरप्शन भी आपने देखा होगा। 19th century से ये स्टार्ट हुआ था और ये प्रिडिक्शन किया गया था कि अगर हम 20 साल तक लगातार इन रिसोर्सेस को इस्तेमाल करें तो 12 बिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट एनर्जी को हम फेच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। साथ ही साथ यूएस की एक रिपोर्ट ने कहा 2.11 × 10^35 जूल, विच इज इक्विवेलेंट टू मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट 10^9। हम इतना ऑयल को बचा सकते हैं अगर हम जियोथर्मल एनर्जी को स्टार्ट करें तो। सबसे पहला दुनिया का जियोथर्मल पावर प्लांट 1904 में बनाया गया, हार्डेरलेव इटली के अंदर, जो आज भी चलता है। रिलायबल, चीप, 24 घंटे अवेलेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर, छोटे से एरिया यहां पर चाहिए ड्रिल करने के लिए जहां से यह वॉल्केनो आउट हो रहा हो, या फिर ये कह सकें कि हमें किसी एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत नहीं है हीट के स्पेस के लिए, ये हमें नेचुरल फैसिलिटी गिवन है बाय द नेचर। बट प्रॉब्लम ये है कि साइट स्पेसिफिक है, हर जगह हम नहीं कर सकते, कहीं कहीं टेम्परेचर जो है बहुत कम है, उसका कोई काम हमारे आ नहीं सकता, नॉइस पोल्यूशन हो सकता है। साथ ही साथ इन प्लांट्स को बनाने के लिए कई जगह पर ड्रिलिंग करनी पड़ती है या प्रेशर को वहां पर क्रिएट करना पड़ता है, प्रेशर रिलीज भी होता है, जिस वजह से भूकंप जैसी चीजें भी उत्पन्न हो सकती हैं उन जगहों पर। अब ग्लोबल लुक की अगर बात करें तो दुनिया में 2018 की रिपोर्ट से 14,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। सबसे आगे इसमें रेस में है यूएस, जो 3639 मेगावाट प्रोड्यूस करता है, ये रिपोर्ट 2018 की है। हर साल 16.7 बिलियन किलोवाट आर की क्षमता रखता है ये कंट्री। सबसे बड़ा जियोथर्मल कॉम्प्लेक्स जो है वो कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है, जहां पर 22 जियोथर्मल प्लांट्स है और ये प्लांट कई जगहों पर जैसे सोनोमा लेक, मैंडेको, मैरीन, नेपा कंट्रीज, इन जगहों पर ये पावर को प्रोड्यूस करके भेजता है। सेकंड नंबर पर इंडोनेशिया, जो 1948 मेगावाट प्रोड्यूस करता है। फिलीपींस, जहां पर दो साइट्स हैं, टीवी और मकबन, मकबन 458 मेगावाट और टीवी 289 मेगावाट। टर्की में 1347 मेगावाट फोर्थ नंबर पर यह कंट्री आता है। न्यूजीलैंड 1005 मेगावाट,
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी गीगावाट की रेंज में है बट अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। मेक्सिको की बात करें तो 951 मेगावाट, जिसके हमारे जो प्लांट्स हैं वो कैरोप्रीटो में है जो 820 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है केवल अकेला यही प्लांट। इटली में 944 मेगावाट इस एनर्जी रिसोर्स से प्रोड्यूस करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके प्लांट लार्डरेलो में सिचुएटेड हैं जहां पर 34 प्लांट्स बनाए गए हैं वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव जियोथर्मल कॉम्प्लेक्स में, एक ही जगह पर इतने सारे प्लांट्स। आइसलैंड की बात करें तो 755 मेगावाट्स, जिसमें ज्यादातर वॉल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू प्रोड्यूस करा जाता है। 2010 की रिपोर्ट में यह कहा गया कि 11 गीगावाट अब तक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो चुका है और 9% के रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इंडिया की जानकारी लें तो यहाँ पर मोस्टली 5 अलग अलग प्लेसेस हैं जिनको अलग अलग डिविजन्स में लिया गया है, जैसे नॉर्थ वेस्ट, गोंडवाना, वेस्ट कोस्ट, सोन, ये मेजर यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस हैं। पहला जो जहाँ पर ये डेप्थ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया 620 छत्तीसगढ़, ततापानी, सरगुजा, हिमाचल प्रदेश, मणिकरण में 700 मीटर नीचे हम ये यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर 220 मीटर पर, तपोवन के अंदर 728 और मणिकरण के कुछ जगह, जम्मू एंड कश्मीर की कुछ जगह, स्पेशली पूगा की अगर बात करें वहाँ 385 मीटर नीचे ही हमें इतनी एनर्जी मिल जाती है जो हम यूटिलाइज कर सकें। कुछ ये भी डेटा हम देख सकते हैं कि हिमालयन प्रोविंसेस में जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस रहता है, टेम्परेचर रिजर्वायर जो है वहाँ के 260 डिग्री सेल्सियस तक हो जाते हैं, हीट फ्लो 468 और थर्मल ग्रेडियंट 100 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से वहाँ पर मिलता है। अलग अलग जगह पर ये सारी वैल्यूज अलग अलग हैं तो उसके हिसाब से ही पावर प्लांट्स को बनाया जाता है, जहाँ पर कैम्बे प्रोविंस, वेस्ट कोस्ट प्रोविंस, सोनाटा प्रोविंस एंड गोदावरी प्रोविंस, सबके अलग अलग वैल्यूज हैं और अलग अलग प्लांट्स को वहां पर बनाया गया है या फिर रिसर्च चल रही है। इंडिया पोटेंशियल तो रखता है 10,600 मेगावाट प्रोड्यूस करने की, बट अभी तक मुझे तो ऐसा डेटा कहीं नेट पे नहीं मिला कि हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोरेशन जो है इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो GSI और NGRI इस चीज की रिसर्च कर रही है और इसमें काम चल रहा है। मोस्टली जितने भी यहाँ जियोथर्मल रिसोर्सेज हैं वो गीजर्स के फॉर्म में है, दैट मीन्स स्टीम वहां से बाहर निकल रही है, या फिर हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में है। लगभग हमारे पास 340 हॉट स्प्रिंग है जो 5 उसके मेजर जो हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन, हिमालयन रीजन में वो आते हैं। मेजर जगह अंडमान निकोबार आइसलैंड, नर्मदा तप्ती रीजन, वेस्ट कोस्ट रीजन, दिल्ली के भी नियर बाय कुछ जगह और गोंडवाना रीजन्स के अंदर यहाँ पर हमारे वेल्स हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया गया जो रैंकाइन साइकिल पर चलता है जो गुजरात में सिचुएटेड है। NIT दिल्ली एज वेल एज IIT दिल्ली इट्स दुर्गापुर, ये भी अपना रिसर्च जारी करे हुए हैं ताकि हम जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। टोटली अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो मीडियम, लो और मॉडरेट एंथैल्पी के अंदर ये डिवाइडेड हैं। एंथैल्पी हेयर इज द टेम्परेचर डिफरेंसेस, तो यहाँ टेम्परेचर जो 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है मीडियम रेंज, और लो एंथैल्पी 100 डिग्री सेल्सियस, और मॉडरेट की बात करें तो अलग अलग रीजन पर हम ये मिलते हैं जैसे हिमालयन रीजन, महाराष्ट्र में गोंडवाना, दामोदर, वेस्ट कोस्ट। याद रखने के लिए यही मेन है, हिमालय याद रखें, महाराष्ट्र याद रखें, गोंडवाना या वेस्ट कोस्ट, कैम्बे और गोदावरी यहीं पर ही ज्यादातर सिचुएटेड हैं जियोथर्मल साइट्स। अब रिसोर्सेज की बात कर लें या फिर ये मैं कहूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेज, तो यहां पर हम 4 अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं जियोथर्मल एनर्जी को। सबसे पहला है हाइड्रो जियोथर्मल, हॉट ड्राई रॉक, जियो प्रेशर और मैग्मा रिसोर्सेज। चलिए बात करते हैं इनकी अलग अलग, मैं फिगर से इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। आप नॉर्मल इस चीज को देखें कि एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके नीचे मैग्मा सिचुएटेड है अर्थ क्रस्ट के अंदर, हम ये तो बात जानते ही हैं। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर जगह पर वाटर भी होता है एक लेयर के अंदर, तो ऐसा हम ड्रिलिंग करके बना लें सो दैट हम हॉट स्प्रिंग को वहां से बाहर निकाल सकें या फिर स्टीम को बाहर निकाल सकें जो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है हमारे क्रस्ट के अंदर। तो इस टाइप के रिसोर्सेस को हम हाइड्रो जियोथर्मल रिसोर्स बोलते हैं, जहां पर पानी भी है और वो अपने आप ही गर्म भी हो रहा है, जहां से स्टीम हमें बाहर मिल रही है।
तो इसके में अगर थ्योरी की बात करें, लिखना क्या है, यहाँ वेपर और हॉट वाटर फॉर्म के अंदर जियोथर्मल एनर्जी है, हाइड्रोथर्मल सिस्टम इनको कहा जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ हीट रिसोर्स, रिजर्वायर, रिचार्ज एरिया एंड कनेक्टिंग पाइप्स, टेम्परेचर इनका 30 से 120 डिग्री सेल्सियस तक रहता है जो लो एंथैल्पी में कहलाया जाता है, जो लगभग 0.03 टू 0.4 मेगा जूल पर किलोग्राम ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हाई की बात करें तो 120 डिग्री सेल्सियस हाई एंथैल्पी में आता है जो 3 मेगा जूल पर किलोग्राम के हिसाब से एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। हम इस टाइप के रिसोर्सेज को हॉट वाटर एंड स्टीम राइजेस नेचुरली और बाय मींस ऑफ पंप एक्शन रिसोर्सेज कहते हैं। या तो हम पंप वहां लगा लें या नेचुरली ही स्टीम और हॉट वाटर बाहर निकल रहे हैं। हॉट ड्राई रॉक रिसोर्सेज, आप जानते हैं अपने क्रस्ट के नीचे मैग्मा तो है, उसके ऊपर लेयर ऑफ रॉक भी है, तो कहीं कहीं पर ऐसा हम कर सकते हैं कि एक रॉक की जो जगह है वहां पर कैविटी को बना सकते हैं, जिस कैविटी के अंदर हम एक रिसोर्स से वाटर को इनलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ जैसे ही वो वाटर जाएगा गर्म होगा तो स्टीम के फॉर्म में वो बाहर आएगा। तो इस टाइप का एक सिस्टम हम बना सकते हैं सो दैट कि हम जो स्टीम हाई प्रेशर पर आ रही है वो टर्बाइन पर जाए, उसको रोटेट करे और डायनामो से कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। तो ऐसे सिस्टम को हम हॉट ड्राई रॉक रिसोर्सेस कहते हैं। अब इसकी थ्योरी के बारे में बात करें, यहाँ पर पानी का कोई मतलब नहीं है, रॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। लगभग 5 किलोमीटर नीचे गहराई में ये रॉक्स जो हैं वो गर्म अवस्था में रहते हैं, जहाँ पर हम एक तरफ से पानी डालें और दूसरी तरफ से स्टीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद अ हाई प्रेशर। इस टाइप के रिसोर्स को हम पेट्रो जियोथर्मल रिसोर्स भी कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 150 डिग्री से 290 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, हाई प्रेशर वाटर इंजेक्ट किया जाता है सो दैट हाई प्रेशर स्टीम को आउटलेट पे ले सकें एंड दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्लो द टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड इज द जियो प्रेशर रिसोर्सेस। हम जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट में एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ कुछ गैसेस कॉम्पैक्ट हुई हुई हैं, तो जब हम उन गैसेस को निकालते हैं या फिर ड्रिलिंग पर्पस से या ऑयल निकालने के लिए, तब वहां पर हाई प्रेशर से पर्टिकुलर गैसेस आउट होती हैं या स्टीम आउट होती है, तो इस चीज को हम जियो प्रेशर रिसोर्सेज में गिनते हैं। नेचुरल कन्वेंशन के थ्रू यहां पर जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, बस हमें उस प्रेशर का इस्तेमाल करना है। आप ये बात समझिए कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पर यहाँ पर किसी टाइप की गैसेस हैं, हम उसे किसी तरह जब ड्रिल करके आउट लेंगे तो ये गैसेस सीधा प्लांट पर पहुंचे और टर्बाइन को रोटेट करें। कुछ ऐसा ही प्रोसेस है ये, जिसके अंदर नॉर्मली मीथेन गैस को यूज किया जाता है हमें पंपिंग एक्शन के लिए। यहाँ पर टेम्परेचर जो है उन गैसेस का 90 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस होता है, नेचुरल फिनोमिना पे डिपेंडेंट रहती है। डायग्राम से ही इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर नॉर्मली बात करें तो मीथेन गैस की अवेलेबिलिटी रहती है। इस मीथेन गैस में जब हम एक पानी का फ्लो करते हैं तो मीथेन गैस यहाँ से रिलीज होने लगती है हाई प्रेशर के साथ, तो वो गैस जो है हमारे प्लांट के टरबाइन को रोटेट करने के काम आती है। तो हम दो काम एक साथ यहाँ पर कर रहे हैं, मीथेन को भी बाहर निकाल रहे हैं पावर प्लांट की तरह, उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर दो काम एक साथ भी होते हैं जहां पर स्टीम भी हम डायरेक्ट हाई प्रेशर पर निकाल सकते हैं। इस टाइप के सिस्टम को हम जियो प्रेशर्ड सिस्टम बोलते हैं। ठीक, मीथेन गैस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, नॉर्मल टेंडेंसी है, अलग अलग जैसे थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी तीनों फॉर्म में हम इसे आउटपुट पे ले सकते हैं। केमिकल एनर्जी मीन्स पेट्रोकेमिकल्स भी हम वहां से बाहर निकालते हैं। लास्ट इज द मैग्मा, और मैं एक बात बता दूं, अब तक ऐसा कोई प्लांट नहीं बना है वर्ल्ड में जो मैग्मा को बाहर ला सके। ये एक सिंपल प्रोसेस है, अगर हम मैग्मा जो मोल्टन फॉर्म में हाई हीट पर है उसे बाहर ला सकें और यहाँ पर हम एक हीट एक्सचेंजर रखें, मतलब पानी या किसी टाइप का ऑयल, सो दैट वो इवेपोरेट हो और टर्बाइन को मोड़ सके, तो जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जानते हैं, मगर 650 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है, 5 से 10 किलोमीटर नीचे ये मिल जाता है। हवाई में ज़्यादातर ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट सक्सेसफुल मैग्मा ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी अब तक कहीं भी नहीं बनी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट दिस थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स। सो आई स्पेशल थैंक कृति यादव,
You can also find this research paper for this review report. So thank you all.